Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Amamad Study Circle. In this session we are going to learn the chapters or Lolly's Ghost from Ratnasagar English Reader for class 7 CBSE. Asa Nehemia is the writer of this chapter. So Asa Nehemia writes children's stories that have elements of humor and suspense. So Asa Nehemia jo bachchon ke liye kahaniyan likhti hain और उनकी कहानियों में ह्यूमर होता है, फन होता है और सस्पेंस होता है, मिस्ट्री और थ्रिलर होता है। रुस्तम द परफेक्ट, तो हमारा जो इस स्टोरी का फर्स्ट कैरेक्टर है वो है रुस्तम, वॉज ऑलवेज पुटिंग अप ड्रामेटिक एक्ट्स टू प्लेफुली फ्राइटन द बॉयज़ इन द डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री स्कूल के हॉस्टल को कहा जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है रुस्तम, वो हमेशा नाटक किया करता है, मजाक किया करता है बच्चों को डराने के लिए जो हॉस्टल में डॉर्मेट्री में रहते हैं। अर्जुन द न्यू बॉय इन द बोर्डिंग स्कूल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। एक नया लड़का जिसका नाम है अर्जुन, जो स्कूल में अभी अभी आया है, वह भूतों में विश्वास नहीं करता है। रुस्तम प्लॉटेड टू फ्राइटन अर्जुन। अब फिर रुस्तम क्या करता है, उसको डराने का प्लान बनाता है। डिड ही सक्सीड, क्या वह अपने प्लान में सक्सेस हो पाता है, क्या वह अर्जुन को डरा पाता है, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि क्या ऐसा हो पाया है या नहीं। सो लेट्स रीड आवर स्टोरी। लॉलीज बोर्डिंग स्कूल हैड टू टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स। लॉली के बोर्डिंग स्कूल में दो तरह की जनसंख्या, दो तरह के लोग रहा करते थे। फर्स्ट वेयर बॉयज़ एंड द सेकेंड वेयर घोस्ट्स। एक तो लड़के रहा करते थे जो उस स्कूल में पढ़ाई किया करते थे और जो दूसरे जो लोग थे वो थे घोस्ट्स, मतलब भूत। नॉट सरप्राइजिंग, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, कंसीडरिंग दैट दिस 150-year-old स्कूल हैड ऑल द फीचर्स that made it a paradise for ghosts. चौंकने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्कूल जो है वो लगभग 150 साल पुराना है। स्कूल की बिल्डिंग जो है वो 150 साल पुरानी है और इस स्कूल के बिल्डिंग में वो सारे फीचर्स हैं, वो सारे क्वालिटीज़ हैं, वो सारे खासियत हैं जो कि भूतों को पसंद आ सकती है वहाँ पर रहने के लिए। तो ये सारे फीचर्स उस स्कूल को एक पैराडाइज, एक स्वर्ग बनाते हैं भूतों के लिए, घोस्ट के लिए। द डॉर्मेट्रीज वेयर डिंजी एंड फुल ऑफ ईरी शैडोज। देखो, डिंजी मीन्स होता है मैला कुचैला, गंदा, और डॉर्मेट्रीज मीन्स होता है जो हॉस्टल्स में बच्चों के रहने के लिए जो बेड्स लगे हुए होते हैं उन्हें डॉर्मेट्रीज कहा जाता है। तो वे जो बेड्स लगे हुए थे वो बहुत ही डिंजी थे, बहुत ही मैले कुचैले थे, बहुत ही पुराने थे और वहाँ के जो शैडोज़ थे, वहाँ की जो छाया थी, परछाइयाँ थी, वो बहुत ही डरावनी थी। द कैंपस ग्राउंड्स वेयर थिकली वुडेड। और जो कैंपस का ग्राउंड था वो एकदम जंगलों जैसा था, मतलब उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे। वॉट मेड लॉलीज मोस्ट अपीलिंग फ्रॉम अ घोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज वॉज द चॉइस ऑफ 500 बॉयज हु कुड बी फ्राइटेंड एट एनी टाइम ऑफ द डे और द नाइट। लॉली के भूत के लिए, लॉली के घोस्ट के लिए सबसे आकर्षक, सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वो ये चाहता था कि दिन के किसी भी पहर वह जब भी चाहे लगभग 500 बच्चों को एक साथ दिन या रात के किसी भी पहर वो डरा सकता है। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा मज़ेदार, सबसे ज़्यादा आकर्षक, अपीलिंग लगती थी। दैट्स वाई वेन अर्जुन अ स्कीनी 12-year-old joined the school and scornfully declared, "I don't believe in ghosts," the entire school thought he was quite crazy. और जब फिर एक स्कीनी, मतलब एक दुबले पतले लड़के ने जिसका उम्र 12 साल था, उसने जब स्कूल ज्वाइन किया, उसने ये डिसाइड किया, उसने ये डिक्लेयर किया, अर्जुन ने, जिसका नाम अर्जुन था, उसने ये डिक्लेयर किया कि वह भूतों में विश्वास नहीं करता है। और सारे स्कूल के लड़के ये सोच रहे थे कि यह शायद एक क्रेज़ी आदमी है, ये क्रेज़ी बॉय है, मतलब यह पागल तो नहीं है। ये स्कूल लगभग 150 साल पुराना है और यहाँ पर ये बहुत ही ऑब्वियस है कि भूत और घोस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये कहता है कि यह भूतों में विश्वास नहीं करता है। श्योरली यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दीज सिली स्टोरीज अबाउट हेडलेस घोस्ट।
अर्जुन कहता है कि निश्चित रूप से तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि मैं इन सिली स्टोरीज़, मैं इन फालतू की स्टोरीज़ को, इन फालतू की कहानियों पे विश्वास करूं जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हेडलेस घोस्ट हैं, बिना सिर वाले भूत हैं, और दिस रेडिकुलस टेल अबाउट द इनविजिबल घोस्ट विच वॉक्स अराउंड विद अ पिलो, या मैं इन रेडिकुलस, इन बकवास कहानियों को मान लूँ कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत अपने तकिए के साथ इनविजिबली घूमते फिरते रहते हैं। सर लॉली, आफ्टर हुम द स्कूल वॉज नेम्ड, सर लॉली एक आदमी थे जिनके नाम के पीछे, जिनके नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया था, had once lived in the enormous means होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, Sir Lawley, after whom the school was named, had once lived in the enormous mansion which had been converted into a boarding school after his tragic death. तो सर लॉली जो कि एक बहुत ही enormous, बहुत से विशाल महल बंगलों में रहा करते थे, और जब उनकी tragic, दुखद मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उस महल को, उस बंगले को एक स्कूल में, एक बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया था। He had been murdered by a greedy cousin, और उनकी हत्या उनके कज़न द्वारा ही कर दी गई थी जो कि बहुत ही लालची था, बहुत ही ग्रीडी था। सिंस देन, मतलब तभी से, हिज घोस्ट वॉज सैड टू रोम द कैंपस कैरिंग अ ब्लड स्टेन पिलो, तभी से ये कहा जाता है कि मिस्टर लॉली का भूत अपने खून से सने हुए, खून से रंगे हुए तकिए को लेकर घूमता रहता है, भटकता रहता है। How can I possibly believe such nonsense? Arjun continued. Arjun फिर आगे बोल रहा है कि मैं इस तरह के nonsense बातों को, इस तरह के nonsense belief को कैसे मान लूँ, कैसे accept कर लूँ कि ये सारी चीज़ें possible हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं। I wouldn't say such thing if I were you, Arjun, warned a solemn voice. पीछे से एक आवाज़ आता है, एक शानदार आवाज़, एक अजीब तरह का वॉयस आता है, और वो कहता है कि अर्जुन, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करता। इट वॉज़ रुस्तम, और ये साउंड और ये वॉयस और ये सोलेम साउंड, सोलेम वॉयस किसका था? रुस्तम का था, द परफेक्ट इंचार्ज ऑफ द डॉर्म, जो हॉस्टल का प्रभारी था, जो हॉस्टल का इंचार्ज था। हैवंट यू हर्ड, रुस्तम क्या कह रहा है? रुस्तम कह रहा है कि हैवंट यू हर्ड, तुमने नहीं सुना है। रुस्तम वेंट ऑन इन अ सिनिस्टर विस्पर, सिनिस्टर मीन्स होता है, देखो आपके बुक में दिया हुआ, इविल एंड फ्राइटनिंग, मतलब बुरी और डरावनी बातें। तो यहाँ पर जो है अर्जुन बुरी और डरावनी बातें फुसफुसाने लगता है, मतलब डरावनी बातें करने लगता है दबी हुई आवाज़ में। दैट व्हेन घोस्ट्स हियर यू से दैट यू डोंट बिलीव इन देम, दे कंसीडर इट एन इन्विटेशन, ऑलमोस्ट अ चैलेंज टू शो देमसेल्व्स टू यू। यहाँ पर रुस्तम ये क्लैरिफाई कर रहा है अर्जुन से कि अर्जुन देखो, जब तुम ऐसा कहते हो कि तुम भूतों पे विश्वास नहीं करते हो, तो ये जो घोस्ट हैं, जो ये भूत हैं, ये उसको एक इनविटेशन, एक आमंत्रण के रूप में मान लेते हैं, और वे ये दिखाने लगते हैं, ये एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वे तुम्हें खुद को दिखा करके रहेंगे, मतलब वे तुम्हारे सामने आ करके रहेंगे, वे एक इसको एक ऐसे चैलेंज के रूप में मानते हैं, तो तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि तुम भूतों पे, तुम घोस्ट पे विश्वास नहीं करते हो या घोस्ट नहीं होते। आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड इफ सर लॉलीज घोस्ट डिसाइडेड टू टीच यू अ लेसन बाई अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ यू वन ऑफ दीज डेज। अब यहाँ पर रुस्तम कह रहा है कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अगर सर लॉली का ही घोस्ट ये डिसाइड करता है कि तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर तुम्हें एक सबक सिखाया जाए, तुम्हें एक लेसन सिखाया जाए, ताकि तुम भूतों पर, तुम घोस्ट पर विश्वास करना शुरू कर दो। रुस्तम ग्रिंड ग्लीफुली इन द डार्क, ग्रिंड मीन्स होता है दांत पीसना, और ग्लीफुली मीन्स होता है हंसते हुए। तो रुस्तम हंसते हुए अंधेरे में अपने दांत को पीस रहा था। ही वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग हाउ ही वुड अरेंज फॉर सर लॉलीज घोस्ट टू विजिट अर्जुन, वह पहले से ही ये प्लानिंग करने में बिजी था कि वह सर लॉली के घोस्ट को अर्जुन से कैसे मिलवाए, उनसे उन दोनों का इनकाउंटर कैसे कराए, उन दोनों का मुकाबला कैसे करवाए। He decided to use his own pillow and managed to get hold of a long-handled broom, the kind used to clean cobwebs.
अब यहाँ पे रुस्तम क्या कर रहा है, सरलौली के घोस्ट को अपीयर करने का प्लान बना रहा है। उसने ये सोचा कि जब लोग कहते हैं कि सरलौली का घोस्ट अपनी तकिया लेकर, जो कि खून से रंगा हुआ होता है, उसको लेकर भटकता रहता है, तो उसने सोचा कि वह अपने तकिए, अपने पीले को यूज़ करेगा। और उसने एक ब्रूम, एक झाड़ू को इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल मकड़ी के जाले को साफ़ करने के लिए किया जाता था, जिसमें बम्बू का स्टिक लगा हुआ था। उसने उस ब्रूम स्टिक पे उस तकिए को टिका दिया। इन ऑर्डर टू मेक द ब्रूम इनविजिबल इन द डार्क, और अंधेरे में उस ब्रूम में जो बम्बू स्टिक लगा हुआ था उसको इनविजिबल बनाने के लिए, छुपाने के लिए, ही स्मीयर्ड द बम्बू हैंडल विद ऐश फ्रॉम द लॉग फायर इन द स्कूल किचन। उसने क्या किया, उस बम्बू स्टिक को स्कूल के जो किचन में जो राख था, उस राख से उस बम्बू स्टिक को पोत दिया, उसे ब्लैक कर दिया, उसे डार्किन कर दिया। स्मीयर्ड मीन्स होता है पोत देना, ताकि वो डार्क में बम्बू दिखाई न दे, वो इनविजिबल हो जाए। When no one was around, जब आस पास कोई भी नहीं था, ही प्रैक्टिस्ड हाउ द पिलो which was supposed to belong to the ghost would appear to float into the dormitory by being attached to the bamboo stick. जब आसपास कोई भी नहीं था तो उसने ये प्रैक्टिस किया कि वह कैसे लोगों को यह विश्वास दिलाएगा कि यह जो तकिया है यह सर लॉली के घोस्ट का है, मिस्टर लॉली के घोस्ट का है। और उसने ये भी प्रैक्टिस किया, कि वो कैसे उस घोस्टली पिलो को एयर में कैसे फ्लोट करवाएगा, चारों तरफ डॉर्मिट्री में उसे कैसे घुमाएगा, है ना, बम्बू स्टिक में, ब्रूम स्टिक में उसे अटैच करके। He led the other boys into the secret and instructed them how to behave when the ghostly pillow made its dramatic entry into the dormitory. और उन्होंने बाकी बच्चों को, बाकी दूसरे लड़कों को सीक्रेटली बता दिया, और ये भी उन्हें समझा दिया कि जब ये घोस्टली पिलो, ये भूतिया जो तकिया है, जब ये डॉर्मिट्री में एंटर करेगा तो तुम लोगों को कैसे चीखना है, कैसे चिल्लाना है और कैसे बिहेव करना है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन सब ने और रुस्तम ने मिलकर एक प्लानिंग बनाया ताकि अर्जुन को डराया जा सके। सो इस पार्ट में हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, और इसके सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि फिर इसके बाद क्या होता है जब रुस्तम अपने उस तकिए को लेकर डॉर्मिट्री में एंटर करता है, तो फिर क्या होता है, या वो जैसा प्लान कर रहा है वैसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, या रुस्तम का प्लान उल्टा पड़ जा रहा है, उसी के ऊपर भारी पड़ जा रहा है। सो सी यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन वेट एंड वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।